हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हेडेलबर्ग सीमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि यह कंपनी सीमेंट की बिजनेस करती है एंड इट इज द इंडियन सब्सिडरी ऑफ हेडेलबर्ग सीमेंट ग्रुप जर्मनी। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। अभी अगर कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4077 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.3 की PE है, 20.9% है कंपनी की ROC एंड 16.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 23.7% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 4.47% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक वैल्यूज को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया है एंड 51.6 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एंड यह है कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर यह जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 566.4 करोड़ की इनकम एंड 68.6 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे हुई है, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने काफ़ी कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 के क्वार्टर कंपेयर टू जून 2021। और अगर ये लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने इनकम ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में दिखाई है इन जून 2022 के क्वार्टर कंपेयर टू मार्च 2022। कंपनी की इनकम ग्रोथ तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक क्या बोल रहा हूँ, मतलब चलो इनकम ग्रोथ है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ इनकम, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, यह है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड यह है कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रिजल्ट। दोनों के मामले में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, मतलब जून 2022 की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो वीक ही निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया था, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब FY 2022 में बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। और अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 38 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा डिटोरिएट होकर नेगेटिव 61 करोड़ की हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज थी, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने सेलिंग किया था इन मार्च 2022 के क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एंटायरली डिपेंड करती है कि आप लोगों के कंपनी के ऊपर भरोसा है या नहीं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर भरोसा है तो ही, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या फिर कंपनी की ग्रोथ देख के मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के टेक्निकल से हम लोगों को कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड में है एंड अभी कंपनी अपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस 52 वीक लो के आसपास डेफिनेटली एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड करेंटली जो 52 वीक लो है कंपनी की वो अप्रोक्सीमेटली 165 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। तो इस कंपनी में आप लोग 165 रुपये के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं यही बोलूँगा अभी इस कंपनी से दूर रहे। जैसे कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम बोला आप लोगों को अभी इस कंपनी से दूर रहो। तो कब एंट्री लेनी चाहिए वो यहाँ पे है आप लोगों के सामने। ये है कंपनी की 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब कंपनी इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो कहाँ से ये कंपनी प्रॉपर रिवर्सल शो करेगी वो किसी को नहीं पता है। उसके ऊपर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे नहीं बन रही है कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। तो आप लोग पिवट पॉइंट्स के हिसाब से स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो लेकिन ऐसा सच कोई लेवल नहीं बन रही है। एंड मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्विंग ट्रेड अवॉइड करो। अगर फिर भी स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो पिवट पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।